सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिले। इसी तरह से नई नई रेसिपीज आप मेरी देख। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, सैलड में भी खा सकते हैं, स्नैक्स में भी खा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसे शुरू करते हैं। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ स्प्राउट चना सैलड। तो आइए दिखाते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कटोरी स्प्राउट चना लिया है जिसे मैंने दो पानी धुल लिया है। तो आप किसी भी बोल में इसे मिक्सर बोल में डाल के इसे मिक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ली हूँ मिक्सर बोल, सर्विंग बोल ली हूँ। इसमें हम मिक्स भी कर सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चने ले लिए हैं। दो चम्मच मैं यहाँ पे भीगी हुई मूँगफली ली हूँ, ओवरनाइट मैंने भिगो दिया था। भिगोने के बाद दो पानी धुल करके यहाँ पे ले लिया है। दो चम्मच बारीक कटी हुई अनियन लिया है। दो चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है जिसका कि मैंने बीज निकाल दिया है। दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई ले लेते हैं यहाँ पे डालने के लिए। दो चम्मच बारीक कटी मूली लिए है, बारीक कटी हुई है। और थोड़ी सी धनिया की पत्ती मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने डाला है टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, जिसे मैंने सारा काला नमक इस्तेमाल किया। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा सादा थोड़ा सा काला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक पिंच मैंने ली है रेड चिली पाउडर। अगर आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करें थोड़ी सी और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला लिया है, आधा मैंने यहाँ पे नींबू लिया है जिसका मैंने रस यहाँ पे निकाल करके डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने नींबू का रस डाल दिया है। अब इन थोड़ी सी मैंने ड्राई पुदीने की पत्ती ली है। अगर आपके पास फ्रेश पुदीने की पत्ती है तो आप जिस तरह के धनिया की पत्ती काटें इस तरीके से पुदीने की पत्ती काट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बहुत जल्दी ये बनकर रेडी होता है। तो अगर आप हरी मिर्च नहीं खाना पसंद करते या इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल करके इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसे सैलड के साथ खाइए, जैसे कि मैंने बताया है। आप जब भी आपको मन करे इस तरीके से आप बना के इसे खा सकते हैं। काफ़ी हेल्दी होता है। नॉर्मल चना भीगे से ज़्यादा स्प्राउट चना हेल्दी होता है। तो अगर आप लोग स्प्राउट चना बनाना देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे हम स्प्राउट करते हैं चने को बहुत ही आसान तरीके से। तो मिलते हैं इसी तरीके से फिर से एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।